अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बताने जा रही हूँ सीख कबाब बिरयानी। पिछली वीडियो में मैंने आपको सीख कबाब बनाना सिखाए थे, इसके लिए मैंने लिया था 1 किलो चिकन का कीमा। इसे तकरीबन 20-22 कबाब बन जाएंगे, इसके मैंने दो दो हिस्से कर लिए हैं। बिरयानी राइस मैंने तकरीबन 95% पका कर रखा हुआ है, साथ ही 250 ग्राम दही है, काजू बादाम का पेस्ट है 1 प्याली, हरा धनिया और टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 बड़े चम्मच, साथ में बारीक कटी हुई 2 बड़े साइज़ की प्याज है, 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 4 टेबल स्पून बिरयानी मसाला है। एक बड़ी देगची में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं, साथ ही इसमें 2 चम्मच देसी घी भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी साबुत गरम मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और ज़ीरा, और ये बारीक कटी हुई प्याज, जैसे ही प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो जाएगी हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे कुछ देर भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, ये 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर हैं, 2-3 हरी मिर्च, इसे भून लेना है कुछ देर। इसमें मैं 1/2 प्याली पानी शामिल करके भून लूँगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब इसमें तमाम सूखे मसाले शामिल कर देना है, इसे भी कुछ देर भून लेना है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी दही, देखिए हमारा मसाला भून चुका है। आखिर में हमें इसमें शामिल कर दूंगी काजू और बादाम का पेस्ट, इसके लिए मैंने लिए थे 10 बादाम और 10-12 ही काजू। ये कीमा है जिस कीमे से हमने कबाब बनाए थे, तकरीबन 1 कबाब जितना कीमा मैंने बचा लिया था, उसको अब मैं मसाले में डालकर भून लूँगी। ये मैंने इसमें सीख कबाब डाल लिए हैं जिसे मैं बताना भूल गई, मिस हो गई वो वीडियो। तो कबाब को पीस पे थोड़ी देर भून लेना है। आखिर में मैंने इसमें शामिल कर दिया है हरा धनिया। अब इसमें से 1/2 कबाब और मसालों को हम निकाल लेंगे लेयर बनाने के लिए। ये तली हुई प्याज है और साथ ही हरा धनिया, इसके ऊपर हम लगा देंगे चावलों की तह। चावल मैंने तकरीबन 90-95% पका लिए थे, अब इसे सिर्फ 15 मिनट दम देना है। ये हम एक और तह लगा देंगे, ब्राउन ऑनियन और हरा धनिया के साथ बाकी का मसाला। ये हमने दूसरी लेयर भी लगा दी। ये फूड कलर है, इसको मैंने रोज़ वाटर में घोल कर ऊपर से डाल दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बिरयानी नीचे से जल जाती है, ये बर्तन में लग जाती है, तो इसके लिए हम इसमें आखिर में 1/2 गिलास पानी शामिल कर देंगे और अब इसे दम पर लगा देंगे। तकरीबन 15 मिनट दम देने के बाद ये देखिए बिरयानी तैयार है। मैं आपको इसे डिश आउट करके बताती हूँ। ये मैंने 1 किलो चावल के साथ पकाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।